तो जो आपने 4 क्वेश्चन किए, 3 कल किए एक पहले, उनमें हम आपको क्लियर पता लग जा रहा होगा कि कॉन्टीन्यूअस एंड डिकॉन्टीन्यूअस में आपका नाम, अगर दो वैल्यू भी मिडिल वैल्यू जिसको आप कहते हैं या जिसको आप पहले निकाल देते हैं, उसके बाद फिर आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट की, आपका लेफ्ट में माइनस जो दिखाते हैं आप 0 या माइनस 1 या प्लस 0 या प्लस 1 आप जो दिखाते हैं, अगर इन तीनों की वैल्यूज आपका नाम बराबर हो जाती है, इसका मतलब कॉन्टीन्यूअस। अगर किन्हीं दो की वैल्यू सेंट्रल और लेफ्ट अगर आपका जो है अगर दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रही है, दैट मीन्स दैट इज योर डिसकॉन्टीन्यूअस। क्लियर? नाउ मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिस इज अ वेरी पकाऊ चैप्टर, इसलिए आराम से समझिएगा, क्योंकि आप समझोगे तो मैं सोचूंगा मेरा संडे ज़्यादा अच्छा रहा, क्योंकि मेरे कई काम है अभी घर जा करके। देखिए आपने तो खाना और सोना है या पढ़ना है, दो ही काम है। पहली सिचुएशन तो आपकी ये नंबर लाइन, आप इसको एक तरफ के सोच लीजिए, ठीक है। अब आपका देखो, आपको सबसे पहले फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ, उधर देखो जरा क्या दिया हुआ, एफ वन इज इक्वल टू आपको टू, ये इसी से तो पहले होगा, आप कर सकते हो, लेकिन मैं पहले मिडिल वैल्यू को निकाल रहा हूँ, इसमें मिडिल यही है जो वैल्यू थी, अब उसके बाद स्मॉलर देन और ग्रेटर देन वो लेफ्ट और राइट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक छो। अब दूसरे पे लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका देखो ये आ गया, अब लेफ्ट हैंड लिमिट में एक्सेस आपका देखो, उसके लिए अब आप क्या करें, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस के लिए करते हैं, करते हैं 0 के लिए करते हैं, तो आपका ये आपका एफ एक्स हो गया, आपका देखो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स की जगह में आप क्या रखेंगे, स्मॉलर देन है आपका ये क्या रखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स इज स्मॉलर देन 1 ये आपका गिवन है, नॉट इक्वल है, इक्वल तो दे दिया नॉट इक्वल है, अब नीचे की जो वैल्यू होगी वो आपके लिए थी एज इट क्लियर। अब इसका मतलब 1 आपका तो ये 1 का जब वैल्यू रखते तो लिमिट हट जाती, क्लियर है, तो ये आपका इसका मतलब जो वैल्यू आपकी एफ एक्स की थी अब वो 1 है, जबकि एफ 1 की 2 आ रही, अगर ये भी 1 ये भी 1 होता तो चलता, फिर हम प्लस की वैल्यू मोर देन 1 के लिए देखते, ठीक छो क्लियर। हाँ इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस 0 ये जो आपका एफ एक्स है ये इसी को आपका क्या है बोलिए एफ एक्स जो है इनकी वैल्यू आपकी क्या है दोनों की इक्वल नहीं, ये इक्वल नहीं एफ वन की, ठीक हो गया ना, तो देयर फॉर आप करें एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है क्लियर, डू इट जरा फिर मैं आप गया। अब देखिएगा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर और 2 क्वेश्चन नंबर 3 का रहा से पहले जो आपका सबसे बड़ी बात है कि कहीं आप ऐसा नहीं कि कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं और आपका ना देखो तैसा, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ऑफ लिमिट्स को भी आपको जरूर याद होना चाहिए, अगर आपको पढ़ाया हो कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1 होती, पढ़ाया है फॉर्मूला नहीं पढ़ाया, लिमिट आपका एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू 1 या एच आपका ना हो, दिस इज द
थर्ड फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू जीरो टेन एक्स ओवर x इज इक्वल टू ये भी आपका वन होता है. नाउ फोर्थ फॉर्मूला लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस वन ओवर x इसकी वैल्यू भी आपकी वन होती है. आपका नाम देखो दूसरा. उसके बाद लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी वन अपॉन x की पावर p इज इक्वल टू जीरो क्योंकि p बिलोंग्स टू जीरो और इन्फिनिटी आपका होता है ये याद रखिएगा. इसके बाद आपका नाम दिस लिमिट x टेंस टू जीरो log 1 प्लस एक्स ओवर log 1 प्लस एक्स है log 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू भी 1 होती है याद रखिएगा. इसके बाद लिमिट x टेंस टू जीरो a की पावर x माइनस वन ओवर x इज इक्वल टू log a बेस e होता है याद रखिएगा. इसके बाद एट फॉर्मूला x लिमिट x टेंस टू जीरो 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू e होती है ये आपका नाम. और उसके बाद आपका नाम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी है याद रखेगा तो 1 प्लस आपका 1 अपॉन x की पावर x इज इक्वल टू e होती है. ठीक है. और इसके बाद नेक्स्ट आपका लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी साइन x एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी ये आपका cos x ये आपका नाम दिस इज ऑसिलेट बिटवीन ये आपका जो काम करते हैं माइनस x आपका नाम टू वन के बीच में काम करते हैं ये आपका अगर लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x एंड लिमिट x ये लिमिट है लिमिट x टेंस टू जीरो cos x तो इनकी जो वैल्यू होती है माइनस वन और वन के बीच में ऑसिलेट करते हैं आपका नाम एक मिनट ना जी. अब आपका नाम सॉल्यूशन नंबर टू में आपका नाम सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस सिक्स ओवर एक्स माइनस थ्री एक्स इज नॉट इक्वल टू थ्री है और दूसरी वैल्यू एच आपका एक्स इज इक्वल टू थ्री. बोर्ड का क्वेश्चन है बोर्ड का देखिएगा आपका नाम दिस इज और उसने क्या किया लेट एफ एक्स इज जरा देख लीजिएगा वहां पे एक्स इज कंटिन्यूस एट आपका एक्स इज इक्वल टू थ्री के लिए ये आपका ये गिवन दिया हुआ है. ठीक हो गया. इसका मतलब आप क्या करेंगे यहां पे लिमिट एक्स टेंस टू ये थ्री रखेंगे आपका नाम देखो दिस इज ये यानी कि ये एफ एक्स इज इक्वल टू अब ये एक्स की जगह में लिमिट हट तभी हटता है जब आप एक्स की जगह में आपका यू विल कीप द वैल्यू. ठीक हो गया जी. कोई शक है तो बताइए. अब देखो मैं एक बार अब इसका न्यूमरेटर ले रहा हूँ इसका फर्स्ट पार्ट जो ऊपर का है फिर उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा एक्स प्लस थ्री का स्क्वायर माइनस ये 36 होना चाहिए मैंने गलत लिखा है. इसका मतलब देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप यूज करके ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं वे ए की वैल्यू आपका देखो ना एक्स प्लस थ्री और बी की वैल्यू आपका सिक्स है सिक्स मोहतरमा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बोला मैंने 36 सिक्स का स्क्वायर तो बी की वैल्यू सिक्स हुई नहीं हुई तो फिर ए स्क्वायर माइनस ए ए ठीक छो कि नहीं चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं कोई शक क्लियर हो गया. अब आप क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू थ्री ठीक है क्लियर इसको लिख दीजिएगा ये आपका एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस 36
ओवर एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। लिमिट एक्स टेंस टू थ्री, इसको सॉल्व करके आपके पास देखो ना ये आया एक्स प्लस थ्री, सॉरी एक्स प्लस नाइन है और एक्स माइनस थ्री ओवर आपका एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट। क्लियर हो गया? तो इसके कैंसिल कर दो तो ना लिमिट आपका एक्स टेंस टू थ्री एक्स प्लस नाइन इस आपका एक कांस्टेंट के होगा। ठीक हो गया? क्लियर? आपको निकालना क्या था? डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के जो आपका कांस्टेंट लगाया हुआ है। ठीक है जी, अब आपका क्या होगा? अब सब कुछ आपका ही दिन, अब एक्स की प्लेस में आप क्या करेंगे इसको रख देंगे तो थ्री प्लस नाइन इस जब भी लिमिट की वैल्यू जाएगी लिमिट हट जाएगा तो ना दो के इस इक्वल टू ट्वेल्व। ये आपका स्वैपिंग हो गया, लेफ्ट साइड राइट में चले जाता है, राइट लेफ्ट में चले जाते हैं 10%। तो ना इसका मतलब के की वैल्यू आपकी क्या हो गई 12। तो देखो आपको डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस आपका था ए, उसको इक्वल टू आपके प्लीज डू इट। पहले तो आप इसको कर लीजिए फिर तब आगे का लॉग एंड लॉग देखिएगा। इन थर्ड क्वेश्चन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट के की वैल्यू आपको निकालनी है सो दैट द फंक्शन फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू आपका ना के एक्स ओवर मॉड एक्स इफ एक्स इज स्मॉलर देन जीरो इज सेकंड वैल्यू थ्री एफ एक्स इक्वल टू थ्री एट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे और कॉन्टिन्यूस आपको दिखाना है एक्स इज इक्वल टू जीरो। दोनों ही सवाल आपके बोर्ड के हैं तो आपने क्लीन बोर्ड नहीं होना तो ये क्वेश्चन मैंने उतार दिया आपका देखो बिल्कुल मैच कर लीजिएगा आपका नाम देखो दिस इज वहां पे तो अब आपका नाउ लिमिट एक्स इज कंटिन्यूस आपका है तो नाउ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस में या माइनस में आप निकाल दीजिए क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है आपका नाम देखो तो ना ये आपका एफ एक्स स्वास्थ्य ठीक है चलो ठीक है इक्वल टू ये लिमिट आपका एक्स टेंस टू ये जीरो ये माइनस में भी होना चाहिए आपका नाम देखो दिस इज द एफ एक्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये इसी को आपका एफ जीरो पे भी होना चाहिए। कायदा ये कहता है कि तीनों जब होंगे तभी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। क्लियर है? लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू मिड हैंड जिसको आप कहते हैं जो भी वैल्यू दी ठीक छो कोई दिक्कत तो नहीं तो आगे बढ़ जाओ आप कहते हैं आगे बढ़ जाते राइट हैंड लिमिट से प्लस है आपका देखो ना तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस के लिए आपको इसका मतलब क्या लिखो यहाँ पे बोलिए जीरो प्लस दो चीजें हैं ना वो देखिए फॉर्मूला देखो इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूले लिखा है इनमें कहीं मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है देखो पीछे पुरानी लिमिट इधर आप इलेवंथ में वापस जाओ लिमिट मैंने पढ़ाई थी आपको या कहीं और से पढ़ के आए थे जीरो ये जो लिमिट जरा याद करो यार कॉल करिए अपनी मेमोरी को तो वो क्या था आपका ना जीरो माइनस एक जगह आपका प्लस की वैल्यू एक जगह आपको माइनस की वैल्यू और ये इसी बड़ा आपका क्या होता था एफ एक्स की वैल्यू ठीक है ना ये किसके लिए निकाल रहे हैं आप थ्री के लिए निकाल तो थ्री के लिए निकाल रहे तो लिमिट आपका क्या है जरा उसमें देखिए लिमिट किसके लिए लगाएंगे एच टेंस टू जीरो के लिए या आपका देखो के ये माइनस एच ऊपर यहाँ क्या हो जाएगा माइनस एच माइनस तभी माइनस माइनस से प्लस होगा एच जीरो होगा ये वैल्यू थ्री के बराबर आनी चाहिए के इंटू माइनस एच क्या हो गया अब इसका मतलब क्या होगा लिमिट आपका क्या लिख सकते हैं आप इसको एच टेंस टू जीरो आपका ये माइनस के एच लिख सकते हैं ओवर एक वैल्यू तो माइनस के लिए एक वैल्यू इसके लिए आपका देखो ये इसको आपका कितना हो गया चलिए तो इसका मतलब एच से एच तो आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो ना इसका मतलब लिमिट एच टेंस टू जीरो ये आपका क्या बचा माइनस के इज इक्वल टू थ्री तो एच तो है ही नहीं एच की तो कोई बनता ही नहीं एच की वैल्यू रखोगे कहाँ आपका ना देखो तो इसका मतलब माइनस के इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा थ्री तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो के इज इक्वल टू
ये आपने लिमिट के सवाल को ऐसे करने हैं। वन मार्क्स के जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपको पता होने चाहिए, उनमें आपका के की वैल्यू आपको निकालने के लिए भी बोलता है, तो डू इट प्लीज। तो देखिएगा इन क्वेश्चन नंबर फोर में आपका नाम लिखा होता है सर, तो एक नंबर लाइन बना देता हूँ क्योंकि वो एक्स इज इक्वल टू जीरो के लिए बोल रहा है, तो जीरो इधर आपका एक्स इज ग्रेटर देन वन हो जाएगा, इधर आपका एक्स इज स्मॉलर देन वन हो जाएगा, एक्स इधर को जीरो की तरफ और एक्स इधर को जीरो की तरफ। पहले तो आपने ये टेस्ट ऑफ आपका नाम कंटिन्यूटी आप बता रहे हैं आपका नाम लिखा होता है। अब आपका देखो ना फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी देखो आपका x इज इक्वल टू जीरो आपको गिवन दिया, यानी x इज इक्वल टू जीरो का मतलब एफ एक्स एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो दिया हुआ, हो गया जी क्लियर। अब आपका दूसरा, तो सेकेंड फेज में जब आप करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपने लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है माइनस लगती है जीरो, पता है ना, तो ना तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये माइनस के लिए लगती है आपका, ना देखो तो ये जीरो आप क्या करेंगे एफ एक्स ये रखा तो ना देखो उसके बाद लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, अब एफ एक्स की जगह में आप क्या रखेंगे वहां देखो जरा क्या है, अरे जीरो माइनस के लिए क्या रखेंगे आप जी क्या है, अरे एक्स मॉड ओवर एफ एक्स की जगह में एक्स मॉड ओवर एक्स है नहीं, ठीक हो गया क्लियर। तो ये इससे क्वाल अब आपका क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये जब बाहर आएगा नीचे आपका प्लस का है तो ना तो ये क्वाल इससे ये खला तो क्या हो गया माइनस वन, उधर क्या था यहां पे आप x मॉड को आप माइनस एक्स क्यों, आपने जो मुझे पूछा जरा दिमाग लगाइए क्यों, क्योंकि x इज स्मॉलर देन जीरो है, x इन स्मॉलर x इज स्मॉलर देन जीरो होगा है? यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू जीरो है ना, तो देखो ना वहां भी तो जीरो नहीं तो उससे नीचे की जो वैल्यू होगी स्मॉलर देन जीरो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, स्मॉलर देन जीरो जब होगा तो जो मॉड x होगा वो माइनस x उसकी वैल्यू आ जाएगी, नहीं पहले तो आप लेफ्ट हैंड ले रहे हो तो माइनस ही तो लोगे, आ रहे समझ में, अब ठीक है अब ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया अब तो नहीं है कोई लघु शंका, ठीक है इसका मतलब तो देयरफॉर आपका नाम देखो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस जीरो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो, ये तो वैल्यू दोनों की आपकी नहीं आ रही, इसका मतलब देयरफॉर एफ एक्स इज एक्स इज इक्वल टू जीरो में आपका क्या हो जाएगी आपका डिस्कंटिन्यूस, ठीक है इज इट क्लियर, प्लीज डू इट।